हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। हम लोग शॉर्टकट ट्रिक को सीखेंगे, कैसे हम लोग क्विकली एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले एलसीएम से। मान लीजिए अगर एक नंबर दिया हुआ 10, 20 और 30, थ्री नंबर्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहला काम हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि इन तीनों में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो लार्जेस्ट नंबर है हमारा 30। अब इस 30 को हम लोग देखेंगे कि क्या फर्स्ट वाला नंबर 30 को डिवाइड करता है। यस, 10 3 30, ठीक है। 20 डिवाइड करता है 30 को, नहीं डिवाइड नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 का डबल कर देंगे। तो 30 × 2 इज इक्वल टू हो गया 60। अब हम लोग चेक करेंगे, 10 से तो हम लोग चेक कर चुके हैं, हम लोग क्या करेंगे 20 से चेक करेंगे। 20 × 3 = 60। तो क्या हो गया, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको जब डबल किए तो ये दोनों नंबर उसको डिवाइड कर दे रहे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लार्जेस्ट नंबर है 60 है, यही होगा एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं 15, 30 और 45। इन दोनों में लार्जेस्ट क्या है, इन तीनों में लार्जेस्ट है 45। तो 15 डिवाइड करता है 45 को, 15 × 3 = 60, और 30 डिवाइड करता है 45 को, नहीं करता है। तो ये जो लार्जेस्ट नंबर है 45, इसका हम लोग डबल कर देंगे, इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा 90। अब देखिए 15 से तो ये डिविजिबल था 45, तो 90 भी डिविजिबल होगा, ठीक है, 90 भी डिवाइड होगा। अब 30 से 33 = 30, यानी कि एलसीएम क्या बनेगा इसका, इसका एलसीएम बनेगा 90। आप कोई भी नंबर उठा के देखिएगा, अगर आप इस प्रोसेस से कीजिएगा तो एलसीएम फाइंड करना काफी फास्ट हो जाता है, काफी क्विकली आप फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अभी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 10, 15 और 40। अब हम लोग इसमें देखेंगे 10, 15 और 40 में हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया 10, 15 और 40। 10 क्या करता है, 40 को डिवाइड कर देता है, 10 4 = 15, लेकिन 15 नहीं डिवाइड करता है। तो हम लोग 40 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 2 = 80। अभी भी 15 क्या करता है, 80 को नहीं डिवाइड कर पाता है। तो 40 को क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 3 कितना आएगा, 120। 15 × 8 = 120 डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम विल बी 120। सो 10, 15 और 40 का एलसीएम 120 होगा। तो जब भी हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, लार्जेस्ट नंबर को ले लेंगे और देखेंगे बाकी के नंबर्स उनको डिवाइड कर पाते हैं कि नहीं। अगर डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हो गया एलसीएम, अगर नहीं तो उनका डबल मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और चेक करेंगे, नहीं होता है फिर 3 से, नहीं तो फिर 4 से, और बाय दैट टाइम हम लोग को मिल जाता है एलसीएम। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में हम लोग जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस में जाएंगे, या मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ का। एचसीएफ फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो अगर मान लीजिए नंबर्स है 10, 20 और 25, ठीक है, ये तीन नंबर्स दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करना है, एचसीएफ खोजना है। एलसीएम में हम लोग लार्जेस्ट नंबर को देख रहे थे, एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को देखेंगे। अब देखना है इस 10 से ये 20 और 25 डिवाइड होता है कि नहीं। तो 20 तो डिवाइड हो जाता है, 10 × 2 = 20, लेकिन 25 नहीं डिवाइड होता। तो हम लोग 10 का क्या करते हैं, फैक्टर्स खोजते हैं। तो फैक्टर्स कैसे खोजते हैं, 1 × 10, फिर 2 × 5, 10 मिलेगा, 1 × 10 = 10, 2 × 5 = 10, और कोई फैक्टर नहीं है। तो हमेशा हम लोग लार्जेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 10 से हम लोगों ने चेक किया 25 नहीं जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट से स्टार्ट करके ऐसे जाएंगे स्मॉलेस्ट तक। तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, 5। 5 से क्या होगा, 20 तो हम लोग चेक कर चुके हैं, 5 को चेक करेंगे, 25 को चेक करेंगे इस 5 से, 5 × 5 = 25। मतलब क्या होगा, एचसीएफ जो होगा, जो फैक्टर तीनों नंबर को डिवाइड कर देता है, दैट विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल हम लोग बना लेते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम लोग 40, 50 और 90। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 40। 40 क्या है, 50 को भी डिवाइड नहीं करता है और 90 को भी डिवाइड नहीं करता है। तो 40 का हम लोग फैक्टर खोज लेंगे, 1 × 40, फिर 2 से होगा 2 × 20, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 4 × 10 = 40, उसके बाद 5 से, 5 × 8 = 40। हम लोग क्या करिए, 40 से तो हमको पता है नहीं जाएगा तो ये नहीं लेंगे, उसके बाद 20 से चेक करेंगे, 20 से 40 चला जाएगा, 50 नहीं जाएगा, 90 नहीं जाएगा, 10 चेक करते हैं, 10 से क्या होगा, 10 4 = 40, 10 5 = 50, 10 9 = 90। तो यानी कि एचसीएफ क्या होगा,
HCF will be equal to 10. हमेशा क्या करना है, हाईएस्ट फैक्टर को चूज करना है जो कि दिया हुआ जितने भी नंबर से सबको डिवाइड कर दे एग्जैक्टली ठीक है। और एक एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, इससे क्या होगा HCF भी क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 44, 56 एंड 100। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है HCF खोजने के लिए। स्मॉलेस्ट नंबर है 44, लेकिन 44 से 56 डिवाइड नहीं होगा, 44 से 100 डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 44 का फैक्टर्स खोज लेंगे। 1 into 44, फिर 222 जा, फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से 4 into 11 ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, तो हम लोग करते क्या, 44 तो हम लोग चेक कर चुके हैं तो 44 को नहीं लेना है। 22 से जाएगा, 22 से सिर्फ 44 जाएगा, 56 और 100 नहीं जाएगा। 11 को लेते हैं, मैंने आपको बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेंगे, 11 से 44 जाएगा लेकिन 56 और 100 नहीं जाएगा, तो हम लोग अब 4 को चेक करते हैं। 4 से 44 जाएगा, 4 से 56 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 14 जा, और 4 से 100 भी डिवाइड हो जाएगा ठीक है। तो HCF क्या बनेगा, HCF इज इक्वल टू 4। 4 से देखिए 44 जाएगा 11 टाइम्स, 56 जाएगा 14 टाइम्स, और 100 जाएगा 25 टाइम्स। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं HCF और LCM को खोजते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, LCM को जब भी खोजना होगा हम लोग सबसे हाईएस्ट नंबर को पकड़ेंगे और क्या करेंगे बाकी नंबर से उनको डिवाइड करके देख लेंगे। अगर डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, तो हाईएस्ट नंबर विल बी द LCM। अगर नहीं होता है तो उसका क्या मल्टीपल्स बनाते जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर उससे नहीं डिविजिबल होता है तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इन केस ऑफ HCF हम लोग क्या करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर को पकड़ते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो क्या करते हैं उनका फैक्टर को हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं और हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं और चेक करते हैं। इससे क्या होता है इजिली हम लोगों को क्विकली क्या करते हैं वी कैन फाइंड HCF एंड LCM। सो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। टिल देन टेक केयर, गिव योर बेस्ट एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। थैंक यू।